हृदय की इच्छाएं शांत नहीं होती है। क्यों? एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी थी। सम्राट ने उससे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो। दिवस के प्रथम याचक की कोई भी इच्छा पूरी करने का उसका नियम था। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और कहा, बस इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दे। सम्राट ने सोचा, इससे सरल बात और क्या हो सकती है। लेकिन जब उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गई तो ज्ञात हुआ कि उसे भरना असंभव था। वह तो जादू ही था। जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गई वह उतना ही अधिक खाली होता गया। सम्राट को दुखी देख वह फकीर बोला, न भर सके तो वैसा कह दे, मैं खाली पात्र को ही लेकर चला जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा कि लोग कहेंगे कि सम्राट अपना वचन पूरा नहीं कर सके। सम्राट ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था सभी कुछ उस पात्र में डाल दिया गया। लेकिन अद्भुत, पात्र न भरा सो न भरा। तब उस सम्राट ने पूछा, भिक्षु तुम्हारा पात्र साधारण नहीं है, उसे भरना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? वह फकीर हंसने लगा और बोला, कोई विशेष रहस्य नहीं, यह पात्र मनुष्य के हृदय से बनाया गया है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मनुष्य का हृदय कभी भी भरा नहीं जा सकता? धन से, पद से, किसी से भी भरो, वह खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वह बना ही नहीं है। इस सत्य को न जानने के कारण ही मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। शांति चाहिए, संतृप्ति चाहिए, तो अपने संकल्प को कहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण से कृष्ण को ही मांगिए। तेरी मोहब्बत में कान्हा एक बात सीखी है कि तेरे साथ के बिना ये सारी दुनिया फीकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखने चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।